हेलो स्टूडेंट्स, सूरज सर वेलकम बैक टू माय चैनल अरबी फन मैच दसू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ जहां भी होंगे अच्छे होंगे। बच्चों, आज हमने कैलकुलस का सबसे बेसिक पार्ट, सबसे फंडामेंटल पार्ट जो 11th 12th के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज हम उसका बेसिक बताने वाले हैं। 12th का जो डिफरेंशिएशन है उसका बेसिक। तो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले डिफरेंशिएशन होता क्या है, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बेसिक फॉर्मूले क्या क्या है, कैसे उन फॉर्मूलों को अप्लाई करते हैं, चलो देखते हैं बिना देर के। और अभी हर एक बच्चे को बता दो कि सूरज सर आ गए हैं, एक एक चैप्टर के वीडियो बनाने वाले, एक एक क्वेश्चन के वीडियो बनाने वाले, हर एक कॉन्टेक्ट, जितने भी कॉन्टेक्ट आपको मोबाइल में, सबको शेयर करो। ऐसा एक भी बच्चा महाराष्ट्र का नहीं बचना चाहिए जिसको अभी मैथ में डर लगे। सबको मैथ से प्यार हो जाना चाहिए, सब विद्या से प्यार करने लगे। ऐसा करना है, एकदम पूरा आग लगा देना बच्चों, गर्दा उड़ा दो, फैला दो फटाफट सबको। चलो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन सर, डिफरेंशिएशन होता है तो इसमें हम लोग ना पहले आपको मैं एकदम एग्जांपल देके उसके बाद डिफरेंशिएशन बताता हूं। चलो, क्यों करते हैं डिफरेंशिएशन, इसका यूज क्या है, कैसे क्या। चलो हम आपको एक एग्जांपल लेते हैं। हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लिया, एक ग्राफ प्लॉट। अब सोचो एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। अब मैं कहूं बच्चों, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा, तो आप लोग बोलेंगे सर जो एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस है वो एंगल थीटा होगा और tan थीटा इसका क्या होगा, स्लोप होगा। बिल्कुल सही, यही होगा, स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा। मैं बोलूं ये लाइन पे इस पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, सर इधर एंगल बन रहा है, जितना ये एंगल होगा उतना ये भी होगा, इसका स्लोप थीटा जितना एंगल बनेगा, ठीक है। अब इस पॉइंट पे क्या होगा, सेम एंगल बन रहा है, ये भी क्या होगा, थीटा होगा, और tan थीटा जितना होगा वो उसका स्लोप हो जाएगा। इट मीन्स स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, सेम, यहां पे चेंज नहीं हो रहा, राइट। बट बेटा तब क्या होगा, जब यही स्लोप, यही जो लाइन होगा, कर्व लाइन होगा। यदि ग्राफ कर्व लाइन प्लॉट कर रहा है, ग्राफ पे कर्व लाइन प्लॉटेड है, तो उसका स्लोप कैसे निकालेंगे, उसके स्लोप के लिए हम कह सकते हैं डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन वहां अप्लीकेबल होता है, ठीक है। देखो बेटा, ये क्या है, कर्व लाइन एक्स वाई। अब मैं बेटा बोलूं कि इस स्लोप जो ये लाइन है कर्व लाइन, इस पॉइंट पे इसका स्लोप क्या होगा, तो बोलेंगे सर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, हाँ क्योंकि यहां पे टेंजेंट, तो यहां पे एंगल जो बढ़ रहा है इसका tan थीटा इसका स्लोप होगा। मैं बोलूं ये पॉइंट का क्या होगा, तो फिर बोलो कि सर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये एंगल देखो इससे बिगर बढ़ रहा है। मैं बोलूंगा इस पॉइंट पे क्या होगा, सर यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, देखो एंगल क्या होगा, बिगर होगा। जैसे हम पॉइंट पे बढ़ते जा रहे हैं वैसे एंगल बिगर हो जाएगा, राइट। बट अब इन दोनों डायग्राम में आपको मैं अब बताता हूं कैसे होगा। यहां पे तो स्लोप क्या होगा, एकदम इक्वल होगा, यहां पे स्लोप चेंज हो रहा है, इंस्टेंट चेंज हो रहा है, हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है, हर एक पॉइंट पे क्या होगा, स्लोप डिफरेंट हो रहा है। तो ये जो डिफरेंट हर एक पॉइंट पे जो चेंज हो रहा है ना स्लोप, उसको फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंशिएशन यूज कर दिए। कैसे सर, एक्सप्लेन कर दीजिए। चलो देख, आज आपको पता चलेगा कि आपने जो स्लोप फॉर्मूला पढ़ा था ना, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट कहां से आया था, एक्चुअली यहां से आया था। चलो अब बेटा, यदि मैं बोलू कि कोई भी दो पॉइंट ये लाइन पर है, अब जो एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, अब इसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वन वाई वन ले लिया, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स टू वाई टू ले लिया, ठीक है बेटा। अब ये लेंथ क्या होगा, ये लेंथ क्या होगा, वर्टिकल या अपवर्ड, वाई वाई डायरेक्शन है, वाई एक्सिस का एक्सिस है, तो कितना लेंथ है, y1 लेंथ है, x से कितना है पॉइंट, y1 है, y1 कितना है, y1 ना। तो अभी ट्रायंगल बनाना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अभी पॉइंट पे कितना एंगल बन रहा है, ये ठीक है,
अब यहां से इसका लेंथ कितना है y1 है, मैं बोलूं ये लेंथ कितना है तो आप बोलेंगे सर y2 है, कितना है y2, ये पूरा लेंथ y2 है, तो बेटा कितना कितना होगा बेटा y2 माइनस y1, क्या होगा y2 माइनस y1, इतना समझा बच्चों, वेरी गुड। चलिए अब बेटा x कंपोनेंट देखिए सर, अब बेटा ये डिस्टेंस कितना होगा, ये लेंथ कितना होगा x एक्सिस, देखो इसका x वाला लेंथ कितना है x1, बस यहां तक का पॉइंट बात कर रहा हूं, ये वाला कितना है x1 है, अब बेटा पूरा कितना होगा यहां से आकर, देखो x2 है यहां तो कितना लेंथ होगा इसका x2, पूरा है x2 इतना है x1 तो इतना कितना होगा, पूरे में से ये माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, तो बेटा अब यहां tan थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो यहां पे स्लोप क्या हो जाएगा बच्चों, स्लोप क्या हो जाएगा tan थीटा होता है ना, tan थीटा क्या हो जाएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सॉरी ठीक है बच्चों। तो ये देखो ये जो स्लोप का फॉर्मूला आता है यहां आता है, लेकिन यहां पे जो स्लोप होगा यहां पे सब सेम होगा, ये तो फॉर्मूला होगा स्लोप का, बट क्या करेंगे इसका तो बन जाएगा यहां पे ट्रायंगल बन गया, बट क्या करेंगे जब कर्व लाइन होगा, कर्व लाइन में सबका अलग अलग एंगल था, आप अभी देखें ये पॉइंट का अलग था, ये पॉइंट का अलग था, ये पॉइंट का अलग, सोचो कि हमको कोई दो पॉइंट का क्या चाहिए, सोचो ये एक पॉइंट है ए हो गया, एक पॉइंट है बी, इन दोनों पॉइंट का क्या चाहिए हमको, स्लोप चाहिए, हाँ ये अगर आई पास हो रहा दो पॉइंट से स्लोप चाहिए, तो क्या करेंगे सर एंगल बना लेंगे, जरूर बनाएंगे, अब मैंने एंगल तो बना लिया, लेकिन क्या ये लाइन इसका हाइपोटेनियस है, क्या उसका वो सेम स्लोप है क्या, नहीं बेटा ये देखो ये अब इनको जो लाइन ज्वाइन करेगा ना वो इसका क्या होगा सेकेंड होगा, क्या होगा सेकेंड, टेंजेंट नहीं हो वो कॉमन को टेंजेंट नहीं है सेकेंड होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे ये या हम लोग क्या करेंगे एकदम बहुत ही क्लोज पॉइंट का क्या करते हैं स्लोप फाइंड आउट करते हैं, बहुत ही छोटे पॉइंट का, बहुत ही पास वाले पॉइंट का, तो सोचो ये पॉइंट को हम लोग ना बोलेंगे आ जा पास बुलाएंगे, पास बुलाती है ना, चलो इधर देखो बोलेंगे आ जा धीरे 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 धीरे, सोचो कि एकदम पास आ गए जो टेंजेंट ये एकदम लाइन जब भी पास आ जाएंगे ये दो पॉइंट का तो छोटा सा जो डिस्टेंस होगा, देखो ये जो कर्व है यहां से यहां का डिस्टेंस क्या होगा एक स्ट्रेट लाइन जैसा बनेगा, राइट स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो बेटा स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो सोचो मैंने इसको क्या किया मैग्नीफाइंग ग्लास से, सोचो बहुत पास ले जाएगा बहुत पास, हाँ बहुत पास यहां पे भी आ गया, अब यहां पे जो छोटा सा ट्रायंगल बनेगा सोचो मैंने उसको बड़ा कर लिया जूम कर लिया आप लोगों के लिए कुछ इस तरह बनेगा, हाँ सर ऐसा बनेगा इधर हो गया ये इधर हो गया, एक्चुअली बहुत पास है बहुत क्लोज है वेरी 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 क्लोज है बहुत ज्यादा, इनका जो इनके बीच का डिस्टेंस है ना डिफरेंस है अप्रोक्सीमेटली जीरो है, मतलब ना बहुत कम है कुछ तो डिफरेंस रहेगा, कितना भी पास आ जाए मतलब कुछ तो क्या रहेगा उनके बीच का डिस्टेंस रहेगा जीरो पॉइंट जीरो जीरो में कितना भी रहेगा लेकिन कुछ तो डिस्टेंस रहेगा, तो अब यहां पे तो क्या हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन क्या हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन, तो देखो ये चेंज है क्या है वाई टू माइनस वाई वन जो चेंज होता है ना, देखो ये चेंज है कैसे y2 चेंज हुआ है y1 से y2 ठीक है y चेंज हुआ है और कैसे x चेंज हुआ है x1 टू x2, जो चेंज होता है बेटा जो इंक्रीमेंट बोलते हैं इंक्रीमेंट भी बोलते हैं ना मैं ना, हाँ चलो इंक्रीमेंट तो उसको या तो डेल से रिप्रेजेंट करते हैं या तो d से रिप्रेजेंट करते हैं या डेल्टा से, अब देखो x है तो चेंज इन x मतलब डेल x, चेंज इन y है तो डेल y या डेल हाँ डेल y लिखेंगे ठीक है dx लिख सकते हैं चेंज इन x को dx भी लिख सकते हैं एंड डेल्टा x भी लिख सकते हैं राइट y को dy एंड डेल्टा y जो आपको सुटेबल हो, ज्यादातर हम लोग महाराष्ट्र बोर्ड में बस यही दोनों यूज करते हैं डेल एंड d राइट ओके, तो बेटा इतना समझ गया, तो ये जो कहीं ना कहीं हमें कर्व लाइन का स्लोप निकालने के लिए क्या यूज होता है डेरिवेशन, तो डेरिवेशन यहीं से कहीं से बन रहा है ठीक है, देखो कर्व लाइन का स्लोप फाइंड आउट करेंगे जब बहुत ही छोटे पॉइंट के बीच का डिस्टेंस तो बहुत पास वाले पॉइंट का स्लोप निकालेंगे तो उसे क्या बोलते हैं डेरिवेशन राइट, तो याद रखिएगा डिफरेंशिएशन, अब देखिए बेटा यहां पे स्लोप क्या होगा इसका डी वाई बाय
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब इसे क्या लिख देंगे, चेंज इन y, तो dy चेंज इन x अपॉन मतलब dx, इसे बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x मतलब y का डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, या y चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू x। अब बेटा डेरिवेटिव है ना, दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ये तो इतना समझ गया, डेरिवेटिव को फाइंड आउट करते हैं। देखो एक तो डेरिवेटिव को फाइंड आउट करते हैं, फाइंड द स्लोप ऑफ कर्व लाइन, फाइंड द स्लोप ऑफ कर्व लाइन, ये था डिफरेंशिएशन ही होता है। और क्या होता है डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर, ये भी बोल सकते हैं ना। देखो एक क्वांटिटी चेंज हो रहा है, जैसे एक्स चेंज हो रहा है तो वाई भी चेंज हो रहा है, ठीक है, एक्स चेंज हो रहा है वाई भी चेंज हो रहा है, वाई के रिस्पेक्ट एक्स चेंज हो रहा है, मतलब एक क्वांटिटी के रिस्पेक्ट दूसरा चेंज हो रहा है, उसे बोलते हैं डेरिवेटिव। अभी मैं बहुत ही बेसिक एग्जांपल दूंगा साइंस का, ठीक है, चलो साइंस का एक हम लोग एग्जांपल लेंगे, हम लोग 9th 10th से पढ़ते हुए आ रहे हैं स्पीड, राइट, उसका एग्जांपल। तो आई होप ये समझा रहे, देखो चेंज को क्या बोलते हैं, dy चेंज इन y, dy चेंज इन x dx। अब बेटा मैंने क्या बोला, अभी एक डेफिनेशन बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन हम लोग बोलते हैं, राइट, टेक्स्ट बुक में लिखा है, बट आज के बाद कोई डिफरेंशिएशन पूछा, तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे बोला प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन, प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। लेकिन आपको क्या बोलना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, देखो बेटा क्या बोलना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर, विद रिस्पेक्ट टू अदर, ये क्या डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन, एक क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में दूसरा क्वांटिटी चेंज होता है उसे ही क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। एग्जांपल एग्जांपल सोचो अपने सूरज सर, ये देखो ये डिस्टेंस है, यहां सूरज सर रहते हैं और सूरज सर को वीडियो बना रहे हैं, यहां अजीब लाइट में भी जाना पड़ता है। अब सूरज सर यहां से जाएंगे यहां वीडियो बनाने, सूरज सर को कॉल आता है, सूरज सर किधर हो, 10 सेकंड के बाद, तो सूरज सर निकल चुके हैं 10 सेकंड में, कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल किए रहे, सूरज सर यहां पहुंच गए। अगेन सूरज सर को पूछा गया कि आप भी कहां पहुंचे हो, 10 सेकंड में, सूरज सर यहां पहुंच गए, मतलब टाइम चेंज हो रहा है तो सूरज सर जो डिस्टेंस है वो भी चेंज हो रहा है, राइट, टाइम चेंज हो रहा है तो डिस्टेंस भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इट मींस डिस्टेंस चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अभी तक स्पीड का जो हम लोग फॉर्मूला देखते थे डिस्टेंस अपॉन टाइम, हम लोग 11th 12th में भी क्या देखते हैं, 9th तक तो देखते थे डिस्टेंस अपॉन टाइम, कोई बच्चा 9th वाले को बोल दो 10th वाले को बेटा स्पीड क्या होता है, बोलेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट अब तो बच्चे वो भी जानते हैं कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम मतलब हर एक टाइम सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं उससे क्या बोलेंगे स्पीड। तो यहां पे आज के बाद अभी डिस्टेंस हम लोग को पढ़े, आपको पता है, देखो डी एस अपॉन डी, देखो डेरिवेटिव ऑफ डी एस अपॉन डी टी मतलब डिस्टेंस चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, राइट, यहां देखो डिस्टेंस चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बट अब देखो मैंने एक अभी चीज बोला था, आप लोग ध्यान दे रहे हैं, यहां पर दो टाइप का वेरिएबल होता है, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट। सीधी सी बात आपने देखा रहेगा वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ऐसा आपको डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन मिल जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन है y इक्वल टू फंक्शन, ठीक है, इसका अभी फॉर्म ने आपको डिफिनेशन दिया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन या रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर, विद रिस्पेक्ट टू अदर। अब बेटा यहां देखो y इक्वल टू x स्क्वायर, अब सोचो कि मैंने x का वैल्यू 1 ले लिया तो y का वैल्यू भी क्या हो गया 1, मैंने इसका वैल्यू 2 ले लिया, हाँ अभी देखो यहां पर डेरिवेटिव नहीं कर रहा, बस सोचो कि ये कोई नॉर्मल फंक्शन है, तो अभी क्या होगा, ये वैल्यू चेंज होगा ना, इसका जैसा वैल्यू बढ़ेगा इसका भी वैल्यू बढ़ेगा, इसका वैल्यू कम करेंगे इसका वैल्यू इंक्रीज करेंगे, ये भी इंक्रीज होगा, ये कम ये डिक्रीज करेंगे तो ये भी डिक्रीज होगा। इट मींस वाई इज डिपेंड ऑन एक्स, वाई क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल, क्या है बेटा डिपेंडेंट वेरिएबल, क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। तो देखो यहां पे टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, तो यहां पे डिस्टेंस क्या है डिपेंडेंट और टाइम क्या है इंडिपेंडेंट, याद रखेंगे बेटा। सबसे बेसिक एग्जांपल सूरज सर को याद करो, सूरज सर को ये बात लिखने से याद करो, सूरज सर भी याद रहेंगे और ये आपको एग्जांपल, तो समझ में आया डेरिवेटिव क्या है,
डिफरेंशिएशन क्या है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, चलो देखते हैं फटाफट। याद रखना डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है सर, कंपनी में डिफरेंशिएशन डेटा इंटरप्रेट करने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी है, आपने कुछ रॉ मटेरियल मंगाया है जिससे आप कुछ बनाने वाले हो, उसका पर्टिकुलर कुछ सेफ है रॉ मटेरियल का। अब उसमें से आप क्या करेंगे, जितना भी आपने रॉ मटेरियल मंगाया ट्राई करेंगे कि इसका मैक्सिमम यूटिलाइज हो, ट्राई करेंगे उसका छोटा सा भी पार्ट हो ना वो रॉ मटेरियल का, तो छोटा सा भी उसका बचा हुआ चीज, बचा हुआ जितना भी रॉ मटेरियल हो क्वांटिटी वो भी आप यूज करें, ऑप्टिमम उसका यूज होना चाहिए, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। तो वहां पे क्या होता है डिफरेंशिएशन यूज होता है, छोटे छोटे पार्ट्स का भी यूटिलाइजेशन होता है, छोटे छोटे क्वांटिटी का भी यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं तो उसे वहां पर डिफरेंशिएशन यूज होता है, बहुत जगह डिफरेंशिएशन यूज होता है। तो ये बहुत यूज है। फिलहाल हम लोग अभी इसको सॉल्व करना है तो आपको फॉर्मूले आने चाहिए, बेसिक फॉर्मूले जो फंडामेंटल फॉर्मूले है उसके लिए देखते हैं। आई होप इतना तो आपको समझ गया रहेगा डिफरेंशिएशन। अभी कोई पूछा तो बोल सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर, राइट। और डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन और क्या है, हां टू फाइंड द स्लोप ऑफ कर्व लाइन, कर्व लाइन के स्लोप को फाइंड आउट करना है तो भी डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। मतलब कोई भी चीज है यदि उसके छोटे छोटे पार्ट, मतलब कोई बहुत बड़ा चीज उसके छोटे छोटे पार्ट को फाइंड आउट करना है उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो उसी को डिफरेंशिएशन करते हैं, राइट। प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव स्कॉटेड डिफरेंशिएशन ये भी बोल सकते हैं, बहुत सारे आप आराम से डिफरेंशिएशन में कुछ रखा नहीं है, राइट। चलो तो अब आपको क्या करना है बेटा, बेसिक फॉर्मूले आना चाहिए। मैं आपको बताया था, अब पहली बार डिफरेंशिएशन बता दिया, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो बता दो, फिर बेसिक फॉर्मूला बता दो, फिर आप हो जाएंगे इससे मास्टर। क्योंकि एक एक क्वेश्चन कराने वाला हूं, जहां भी प्रॉब्लम होगा आप वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, अपने हर एक दोस्तों को शेयर करिए, बोलिए अभी क्रांति मचाने वाले हैं हम लोग मैथ में, महाराष्ट्र का हर एक बच्चा मैथ में 100 out of 100 का टारगेट करेगा। एक एक वीडियो मिलने वाला है, एक एक क्वेश्चन का वीडियो मिलने वाला है, एक एक एक्सरसाइज का वीडियो मिलने वाला है, ठीक है। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप लोग को रोज वीडियो को देखना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, हर एक फॉर्मूले को लर्न करना है, और प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, टाइम तो देना पड़ता है, क्योंकि अभी आपको आने वाला विद्या से प्यार, मैथ से प्यार, और जिससे हम लोग प्यार करते हैं उसको टाइम देते हैं, कंसिस्टेंट टाइम देते हैं, 10 दिन टाइम वन तो फिर देखो फिर वो भी चली जाएगी। इसीलिए आपको हमेशा मैथ को क्या करना है, टाइम देना, कंसिस्टेंट टाइम देना, एवरी डे प्रैक्टिस करना है। इसको ना दवा का खुराक बना लो, आपको शाम को 2 बार लिखिए, सुबह भी 2 बार लिखिए, 10 दिन लिखिए, देखिए दिल में बस जाएगा, दिल में बस जाएगा, दिल रग रग में समा जाएगा। चलो सूरज सर ने बोला कि मैथ से प्यार करना है और उसको कंसिस्टेंट टाइम देना, यस कंसिस्टेंट टाइम देना। चलो देखते तो बेटा हाउ वी रिप्रेजेंट द डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव, कैसे रिप्रेजेंट करते। देखो बेटा जैसे y है ना, y है तो सबसे पहले y कोई फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, y डैश। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर, dy by dx, dy by dx मतलब dy by dx विद रिस्पेक्ट टू x की बात कर रहे हैं, राइट। कोई फंक्शन है f(x) तो f डैश x से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत लोग y1 भी लिखते हैं तो वो भी राइट है, राइट, लेकिन हम लोग यही इतना लिखने वाले, इतना चीज, राइट। ये तीनों में से आप कुछ भी यूज करिए, तो ये y डैश dy by dx एंड f डैश x, चलिए ये तो हो गया, ये रिप्रेजेंटेशन पता चल गया। देखो dy by dx लीबनिट्ज रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं, क्योंकि वो लीबनिट्ज इज आल्सो फादर ऑफ कैलकुलस, हां अलोंग विद न्यूटन, न्यूटन के साथ साथ लीबनिट्ज भी क्या है उसका फादर है, न्यूटन तो है ही और लीबनिट्ज भी उसके फादर है, उसको लीबनिट्ज रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। लिबनिट्स रिप्रेजेंटेशन dy by dx को क्या बोलते हैं, लिबनिट्स रिप्रेजेंटेशन अलोंग विद न्यूटन, लिबनिट्स इज आल्सो फादर ऑफ कैलकुलस, ठीक है। चलो तो दो हैं, ठीक है, इनके फादर। तो अभी स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल फॉर्मूला, आई होप आप लोग रेडी होंगे, पेन नोटबुक निकाल लीजिए और एकदम मजे मस्ती के साथ पढ़िए, कुछ टेंशन नहीं, बहुत आसान है। चलो देखते हैं आज के बाद, अभी आपको कोई भी फॉर्मूले में दिक्कत नहीं होना चाहिए, डिफरेंशिएशन से होने वाला है आपको प्यार। बच्चों जैसे y, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy by dx। बेटा x है, x x का क्या हो जाएगा, x कोई भी है, अब कैसा रहेगा, d by dx of x, x का क्या हो जाएगा 1, x का क्या हो जाता है 1,
कोई भी कांस्टेंट हो बेटा, डी बाय डी एस ऑफ एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट, सोचो कि एग्जांपल देखिए जीरो हो जाए। एक एग्जांपल देता हूं बेटा, डी बाय डी एस ऑफ फोर है, क्या बच्चों फोर, तो क्या होगा जीरो, क्या होगा बेटा जीरो होगा, ठीक है, कुछ भी कोई भी कांस्टेंट रहने दीजिए, क्या होगा जीरो। ओके बच्चों स्टार्ट करते हैं, डी बाई डी एस ऑफ एक्स रेस टू एन, बहुत ही फंडामेंटल फॉर्मूला आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए, एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, राइट, डी बाई डी एस ऑफ वन अपॉन एक्स, क्या होगा बेटा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स क्या होता है वन अपॉन टू रूट एक्स, फॉर्मूले को एकदम अच्छे से देखिए, वन अपॉन टू रूट एक्स, एक्चुअली ये सारे फॉर्मूले ना एन देखो एक्स रेस टू एन से ही है, तो ये देखिए हम लोग क्या करते हैं कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट बनाने के लिए ना हम लोग इसको बाहर ऐड कर देंगे, ठीक है, तो टाइम बचेगा, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला आपको नहीं आएगा तो नहीं आएगा, आप इससे भी इसको निकाल सकते हैं, राइट। चलिए डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है बेटा वन अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स एक्सपोनेंशियल का ए रेस टू एक्स का ए रेस टू एक्स की होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स क्या होगा ए रेस टू एक्स लॉग ए, ए रेस टू एक्स लॉग ए, ए रेस टू एक्स लॉग ए। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का क्या क्या होगा, देखो बहुत इजी है फॉर्मूला, बस आप एक बार दिल लगा के देख लो, मन लगा के देख लो, बस आप प्यार करने लगो मैं से, रग रग में बस जाएगा, दिल दिमाग में उतर जाएगा, ठीक है, लेकिन टाइम तो देना पड़ेगा, जिसको टाइम नहीं देंगे आपके पास रहेगा नहीं, तो इसको टाइम देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, आप लोग समझते रहेंगे, इसको टाइम दीजिए। चलो देखो बेटा डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स, बेटा साइन एक्स याद रखिएगा, बस एक ही ट्रिक है, जो भी कॉस से स्टार्ट होगा, जो भी से स्टार्ट होगा उसका फॉर्मूले में माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा बेटा कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होगा माइनस साइन एक्स, देखो मैंने क्या बोला जो भी सी से स्टार्ट होगा उसमें माइनस आएगा, चलो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होगा बेटा sec स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ cot x, c से स्टार्ट है सर माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस, माइनस cosec स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ sec x, तो क्या होगा बेटा sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x, d by dx of cosec x, c से स्टार्ट माइनस आएगा cosec x, देखो माइनस cosec x इंटू cot x, इंटू cot x, तो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का फॉर्मूला आपको आने चाहिए। अब इसका इनवर्स भी है, इनवर्स फॉर्मूले भी, इनवर्स फॉर्मूले भी आपको आना चाहिए बहुत अच्छे से, इनवर्स फॉर्मूले पे एकदम अच्छे से आना चाहिए, कुछ रूल्स हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, एक एक क्वेश्चन को कैसे अप्लाई करते हैं एक एक फॉर्मूले को वो भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ, पूरा बेसिक क्लियर, आज के बाद डिफरेंशिएशन से हो जाएगा प्यार, हलवा लगेगा बच्चों हलवा। चलो देखो इनवर्स फॉर्मूले क्या क्या, डी बाय डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, जब माइनस लिखते हैं ना माइनस उसको इनवर्स बोलते हैं, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स क्या होगा बेटा वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब बेटा कॉस में क्या बोला था, जो जो सी से शुरू माइनस आता है, ठीक है, अब देखो डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू, बस साइन में माइनस आ जाएगा, माइनस वन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाय डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इक्वल्स टू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ cot इनवर्स x
तो बेटा कॉट में क्या रहेगा माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी बाय डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स क्या होगा वन अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये सब फॉर्मूले आपको एकदम अच्छे से लर्न करना है। डी बाय डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स बस इसमें माइनस आएगा माइनस वन अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है आई होप ये सब आपको अभी तक जो बताया हूं इसको बाहर करेंगे आप लोग अच्छे से भी लगाकर प्रैक्टिस करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आगे कुछ फॉर्मूले हैं कुछ रूल्स आपको बता दूं। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए रहेंगे। तो बच्चों अभी हम लोग ने जो इतने फॉर्मूले देखे बेसिक अब कुछ रूल्स हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन अब रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। क्या रूल है बस तीन चार रूल है आपको देखना है बहुत इजी इजी है। डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस बी अब देखो दो फंक्शन है यू एंड बी क्या है फंक्शन है ठीक है तो क्या होगा u का भी डेरिवेटिव होगा प्लस v का भी डेरिवेटिव होगा मतलब क्या हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स। बेटा जब यहां प्लस है तो प्लस है जब यहां माइनस होगा तो क्या होगा यहां माइनस होगा सिंपल सी बात है सर राइट ओके। सेकेंड वन डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू बी यू इंटू वी तो यू इंटू बी का क्या होगा बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी तो क्या करेंगे यू को बाहर निकालेंगे वी का डेरिवेटिव लेंगे वी का डेरिवेटिव लेंगे यू बाहर आ गया यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी बाहर आएगा डेरिवेटिव ऑफ यू। क्या देखो पहले वाले को बाहर निकालना है दूसरे का डेरिवेटिव फिर दूसरे वाले बाहर निकालना है पहले का डेरिवेटिव। बट कभी कभी आप तीन फंक्शन देते हैं तो आपको क्या करना पहले दो को बाहर निकालना है तीसरे का डेरिवेटिव फिर पहला एंड देखो पहला एंड तीसरा बाहर निकालना है ठीक है दूसरे का डेरिवेटिव फिर पहला फिर सेकेंड एंड थर्ड बाहर निकालना है फर्स्ट का डेरिवेटिव बहुत आसानी से कर सकते हैं। थर्ड डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन बी यू अपॉन बी ये रूल आपको लर्न करके रखना। तो क्या होगा बेटा वी डेरिवेटिव ऑफ यू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डेरिवेटिव ऑफ वी अपॉन वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। देखो बेटा वी डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू डेरिवेटिव ऑफ वी मतलब डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर ये आपको रूल याद रखना है ये तीनों रूल यूज होंगे ठीक है ये तीनों रूल याद रखना है और एक आपको चैन रूल याद रखना है। सही है क्या होता है चैन रूल भी आपको याद रखना है। अब देखो बेटा चैन रूल होता है क्या डी वाई बाय डी एक्स अभी यदि दो फंक्शन रहे तो क्या होगा और एक ही फंक्शन के रिस्पेक्ट होगा तो बस कोई एक ही वेरिएबल होगा तो क्या होगा जैसे बस टी है तो क्या होगा डी वाई बाई डी टी डी टू डी टी बाय डी एक्स इसी को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं अपने बुक में डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाय डी टी तो कुछ घबराने की जरूरत नहीं है सेम चीज है ये ऊपर जाके इसका रेसिप्रोकल है मल्टीप्लिकेशन राइट। तो बच्चों कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बट बेटा तब क्या होगा जब यहाँ पे मोर देन वन फंक्शन होगा सोचो कि एक और है कुछ टी टी इक्वल टी है एक और वेरिएबल है यू यू के भी टर्म में दिया है तो क्या हो जाएगा बेटा डी एक्स देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे क्या जाएगा डी वाई बाई डी टी फिर क्या जाएगा बेटा डी टी बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स तो क्या हो जाएगा बेटा डी टी डी कैंसिल हो जाएगा डी यू डी यू कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स राइट। तो ये आपको रूल आने चाहिए। अभी मैं आपको कुछ बेसिक एग्जांपल लेके बता दूं कैसे अप्लाई करते हैं चलो स्क्रीनशॉट ले लो सब डॉक्टर। तो बच्चों अभी हम लोग जितना भी फॉर्मूला देखें उससे कुछ बेसिक फॉर्मूले कैसे अप्लाई करते हैं वो हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। चलो फॉर एग्जाम्पल अब सोचो वाई इक्वल्स टू अपने को एक्स रेस टू फोर दिया क्या दिया एक्स रेस टू फोर तो क्या लिखना है डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स ठीक है डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या हो जाएगा ये डी वाई बाय डी एक्स क्या हो जाएगा बच्चों
dy by dx, याद रखिएगा dy by dx, राइट। इधर क्या आएगा बेटा dx by dy dx, dy dx ऑफ x raise to 4। तो बेटा फॉर्मूला क्या था x raise to n का, n x raise to n minus 1, जो भी पावर में है वो पहले आ जाएगा, राइट। और पावर में से ही माइनस कर दूंगा, क्या जाएगा 3, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। समझा बच्चों? ओके चलो आगे बढ़ते बच्चों। अब बेटा ऐसा लिखा तो y इक्वल्स टू अंडर रूट x, अंडर रूट x, सोचो अंडर रूट x नहीं है क्यूब रूट ऑफ x है, क्या करेंगे बेटा? देखिए क्यूब रूट ऑफ x है तो बेटा क्या हो जाएगा x से पावर 1 अपॉन 3, ये भी इस फॉर्मूले में आ गया, आंसर आ गया, तो डिफरेंशिएट कर देंगे dy by dx equals to 1 upon 3 पहले आ जाएगा, राइट, x raise to 1 upon 3 minus 1 minus 1, तो 1 upon 3 x raise to क्या हो जाएगा बेटा 1 minus 3 minus 2 by 3 minus 2 by 3, ठीक है, समझा बच्चों? ओ आप इसको नीचे भी ले जाके प्लस हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या करना है उसका क्यूब रूट ले लेना है, ठीक है। चल एक्स स्क्वायर आपको कंपोजिट फंक्शन भी अभी बताने वाला हूं, कंपोजिट फंक्शन क्या होता है आपने टेक्स्ट बुक में देखा होगा कैसे लेंगे उसका डिफरेंशिएशन। बच्चा सोचो y इक्वल्स टू 5 रेस टू 5 रेस टू x दिया है, 5 रेस टू क्या दिया x, तो बेटा एक फॉर्मूला मैं आपको बताया था a रेस टू x का, a रेस टू x क्या होता है a रेस टू x into log k, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। तो a के प्लेस पे कोई भी कांस्टेंट नंबर रहेगा, कुछ भी रहेगा, ठीक है। देखो dy by dx तो a रेस टू x का a रेस टू x हो जाता है into log 5 log a, ठीक है, तो log a के प्लेस पे क्या आता है 5, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, राइट बच्चों। चलो अब बेटा कंपोजिट फंक्शन आपको बता, जिसमें जो बच्चे स्टार्ट करते हैं बहुत फर्स्ट है, सर अभी क्या होगा अभी क्या होगा, अभी देखिए आप ऐसे देख लीजिए कंपोजिट फंक्शन मतलब क्या, फंक्शंस ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस ऑफ फंक्शन, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन। सर ये क्या है, चलो लिखाओ, देखते बेटा कंसिडर करो y इक्वल्स टू, देखो बेटा log ऑफ x होता है तो 1 अपॉन x है, सोचो बेटा यहां पे sin x, log ऑफ sin x तो log भी एक फंक्शन है और sin x भी एक फंक्शन, फंक्शन तो फंक्शन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव। अब यहां क्या होगा बेटा dy by dx और dy dx ऑफ log ऑफ sin x, log ऑफ sin x। अब बेटा log x का फॉर्मूला क्या होता है, log x क्या होता है 1 upon x, अब बेटा सोचो कि ये x के प्लेस में क्या है sin है, तो यहां क्या आएगा बेटा sin x, अब लेकिन ये x है क्या, नहीं x का डेरिवेटिव 1 होता है इसलिए उसको मल्टीप्लाई करते वन ही आएगा, लेकिन अब x के अलावा कुछ नहीं आएगा तो फिर से मल्टीप्लाई में उसका डेरिवेटिव कर दे, चलो तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन sin x, अब ये x से क्या लेगा अभी फिर से इसका डेरिवेटिव लेंगे dy * में dy dx ऑफ sin x, ये वाला हो गया कंपोजिट फंक्शन। देखो तो 1 अपॉन sin x और sin x से क्या हो जाएगा बेटा cos x, तो क्या हो जाएगा cos x अपॉन sin x, क्या हो जाएगा cot x, समझे बच्चों? ओके यदि इतना समझ गए तो बहुत अच्छी बात है और आगे भी आपको समझेगा, राइट बच्चों। तो यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को बोल दीजिए आ जाओ, अब मैथ में बिल्कुल डर नहीं लगने वाला है, होने वाला है विद्या से प्यार, और कर लीजिए जल्दी से प्यार तभी आपको मैथ आएगा, मैथ से विद्या से नहीं है, बाजू वाली विद्या से नहीं बोलो भाई, मैथ से मैथ से मैथ से विद्या मां से, और फटाफट चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, गर्दा उड़ा दो बच्चों, मिलते हैं लेक्चर के साथ, एक एक क्वेश्चन कराने वाले, एक एक एक्सरसाइज की वीडियो आने वाले, तो आज से मैथ का टेंशन खत्म, सूरज सर ने बोला मैथ का टेंशन खत्म, बस वीडियो देखना है आपको, अच्छे से प्रैक्टिस करना है और गर्दा उड़ा देना, आग लगा देना, फटाफट शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो बच्चों, अपने दोस्तों को शेयर करो, बाय बाय।